Now, in this video, we will start with the third exercise of chapter 3, mathematics of class 5. That is, find the HCF by given all factors. हमें ये दे रखा है, हमें factors find करके हमें HCF निकालना है, means हमें factor method से HCF निकालना है. तो पहले मैं 36 के factors निकालूंगी. अगर मैं 36 के factors निकाल रही हूँ, तो 1 की table में 36 पर, 2 की table में 18 पर, 3 की table में 12 पर, 4 की table में 9 पर, 6 की table में 6 पर, 6 के बाद 9 पे आता है तो डायरेक्ट ये उल्टे वाले हो जाएंगे. 9 की टेबल में 4 पर, 12 की टेबल में 3 पर, 18 की टेबल में 2 पर एंड 36 की टेबल में 1 पर. तो 36 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1, 2, 3, 4, 6. 6 ऑलरेडी आ चुका है तो 9, 12, 18 एंड 36. सिमिलरली जब आप 48 के करोगे तो 1 की टेबल में 48 पर, 2 में 24, 3 में 16, 4 में 12 एंड 6 में 8, 8 में 6, 12 में 4, 16 की टेबल में 3 पर, 24 में 2 पर एंड 48 में 1 पर. तो 48 के फैक्टर्स आ गए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 एंड 48. सिमिलरली जब आप 96 के निकालोगे, 1 में 96 पर आएगा, 2 में 48 पर, 3 में 32 पर. कैसे निकालोगे आप, 96 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, फिर 96 को 3 से करोगे तो ये, 96 को 4 से करोगे तो ये, 96 5 से डिवाइड नहीं होगा, देन आप 6 से करोगे तो ये, 7 से नहीं होगा, देन आप 8 से करोगे तो ये, 9, 10, 11 से नहीं होगा, देन 12 से होगा, 12 पे 8, 16 से करोगे तो 6, 24 से करोगे तो 4, 32 से करोगे तो 3, 48 से करोगे तो 2 एंड 96 से करोगे तो 1. तो 96 के फैक्टर्स आ गए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48 एंड 96. अब हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे. 1 कॉमन है तीनों में, तीनों में कॉमन देखना है हमने. 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है और उसके बाद 12 कॉमन है. ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं 36, 48 और 96 की. अब हाईएस्ट नंबर कौन सा इन सब में से, वो है 12. तो जो 12 हो गया वो क्या हो गया हमारा, HCF हो गया 36, 48 और 96 का. नाउ इसमें हमें चेकिंग नहीं करनी है, सिंपली HCF निकालना है. नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तीनों नंबर के, तीनों में जो कॉमन आ रहा होगा वो हमारा HCF. 14 का प्राइम फैक्टर करूंगी तो 2 बाय 7, 35 का करूंगी तो 5 मल्टीप्लाई 7, 49 का 7 मल्टीप्लाई 7. तो 7 जो नंबर है वो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो HCF 14, 35 और 49 का क्या हो गया, 7. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. 98 और 78 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है. तो 98 बड़ा है तो वो डिविडेंड और 78 डिवाइजर. 78 वन में गया, 78 रिमाइंडर बचा 20. ये डिवाइजर अब मेरा नया डिविडेंड बन गया. 20 के टेबल से करा तो 3 पे जाएगा 60, रिमाइंडर बचेगा 18. फिर ये जो डिवाइजर था ये डिविडेंड बन गया, 18 वन द 18, रिमाइंडर आया 2. ये डिवाइजर बन गया 18, फिर 2 9 द 18, रिमाइंडर आ गया 0. जैसे ही हमारा 0 आ गया हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया प्रोसेस. जहाँ पे हमारा 0 आ रहा है वहाँ पे जो हमारा डिवाइजर है वो है 2. तो HCF क्या हो गया मेरा, 2. हेंस HCF ऑफ 98 एंड 78 इज 2. नाउ मूव टू द स्टोरी सम्स, एक्सरसाइज 3.4. पवन वॉन्ट्स टू प्लांट 48 अनियन प्लांट्स एंड 32 कैबेज प्लांट्स इन हिज गार्डन. वट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रोज पॉसिबल इफ ईच रो हैज द सेम नंबर ऑफ अनियन प्लांट्स एंड कैबेज प्लांट्स. पवन जो है अपने गार्डन में 48 अनियन प्लांट्स लगाना चाहता है और 32 कैबेज प्लांट्स लगाना चाहता है. तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रोज क्या पॉसिबल हो सकती है, कि अगर वो हर एक रो में सेम नंबर के अनियन प्लांट्स चाहता और सेम नंबर के कैबेज प्लांट्स. तो अगर हमें कभी भी ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो हमें HCF निकालना होता है. तो हम क्या करेंगे, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे किसका, 48 एंड 32 का. मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर से निकाल रही हूँ, आप किसी और मेथड से भी निकालना चाहें जो आपको सूटेबल हो आप निकाल सकते हैं. 48 के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 32 के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. अब इसमें 2 कॉमन है, ये वाला 2 भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, मीन्स 4 टाइम्स 2 कॉमन है. तो HCF क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज 8. तो HCF जो 48 और 32 का आ गया वो आ गया 8. हैंस द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रोज जो पॉसिबल हैं कि हमारे सेम नंबर ऑफ अनियन प्लांट्स और सेम नंबर ऑफ कैबेज प्लांट्स आ जाएं वो होंगी 8 रोज. नाउ मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल.
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स एल सी एम. अब एलसीएम की प्रॉपर्टीज, जो एलसीएम है दो नंबर्स का वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा दैट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय ईच नंबर. मतलब अगर हमें किसी दो नंबर का एलसीएम निकाल रही हूँ तो जो सबसे छोटा नंबर जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है उसको हम क्या कहते हैं, एलसीएम. जैसे कि एलसीएम अगर मुझे 8 और 6 का निकालना है वो 24 है, और जो 24 है वो 8 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा और 6 से भी. मतलब 24 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो 8 से और 6 से दोनों से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स कैन नॉट बी लेस देन द नंबर देमसेल्व्स. किसी भी नंबर्स का, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का अगर मैं एलसीएम निकालती हूँ तो वो जो मेरा नंबर है, जो हमें नंबर्स दे रखे हैं, तीन नंबर्स दे रखे हैं, चार दे रखे हैं, दो दे रखे हैं, उन किसी भी नंबर्स में से वो उससे छोटा नहीं हो सकता, उनके इक्वल हो सकता है, उनसे बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी भी एलसीएम जो भी नंबर्स गिवन होंगे उनसे छोटा नहीं होगा. अगर एक नंबर फैक्टर है दूसरे नंबर का, जैसे कि हमने पीछे एचसीएम में पढ़ा था कि 9 और 27 में 9 फैक्टर है 27 का, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर था वो एचसीएफ था. इसमें 9 अगर फैक्टर है 27 का तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है 9 और 27 में से, ग्रेटेस्ट क्या है 27, तो 27 क्या है मेरा यहाँ पे एलसीएम. नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज द एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर्स. को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 1, उनका जो अगर मुझे एलसीएम निकालना हो तो उन दो नंबर का प्रोडक्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल तीन नंबर हैं तो तीनों नंबर्स अगर हमारे को दो नंबर्स ही होते हैं को प्राइम्स, अगर दो नंबर्स हैं अगर वो दोनों को प्राइम है तो उन दोनों के प्रोडक्ट का जो आंसर होगा वो उन दोनों का एलसीएम होगा. जैसे 4 और 7 है, 4 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, इट मीन्स 4 और 7 को प्राइम्स हैं. तो 4 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 28. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज अंडरस्टैंडिंग एलसीएम. फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 और 3 का एलसीएम निकालना है तो मुझे एलसीएम निकालने के लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, या मल्टीपल्स की बात हो रही है तो मैं मल्टीपल्स निकालूंगी. एचसीएफ में फैक्टर्स की बात हो रही तो हमने फैक्टर्स निकाले थे, तो 2 के मल्टीपल अगर मैं निकालूं 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन चलते जाएंगे. सिमिलरली 3 के 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन. तो जो सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो है 6. तो इन दोनों का जो एलसीएम हो गया वो हो गया 6. 6 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और 6 3 से भी. नाउ हाउ वी फाइंड द एलसीएम, फर्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन. अब मुझे 10, 15 और 18 का फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से एलसीएम निकालना है. तो 10 का अगर मैंने प्राइम फैक्टर किया तो मेरा आया 2 मल्टीप्लाई 5, 15 का किया तो 3 मल्टीप्लाई 5, 18 का किया तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. अब हमें कॉमन फैक्टर निकालना है. इसमें हमें ये नहीं देखना होता कि तीनों में कॉमन आना चाहिए, तीनों में कॉमन आ रहा है चाहे किसी दो में कॉमन आ रहा है, उस बात से फर्क नहीं पड़ता. अब जैसे 2 इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें नहीं है लेकिन इन दो में कॉमन है, तो एक तो 2 कॉमन है, जो ये कॉमन आया उसको एक बार लिख दिया. उसके बाद 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, डजंट मैटर, बट दो में तो कॉमन है, तो जो कॉमन आया उसको एक बार लिख दिया. अब ये वाला जो 3 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, दो में तो कॉमन है, तो जो कॉमन आया उसको एक बार लिख दिया. अब बाकी जो बच गए, जैसे कि ये 3 बच गया, किसी में भी कॉमन नहीं है, अलग नंबर आ गया, तो इसको भी एक बार लिख दिया. अब जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 90. तो 90 मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया किसका, 10, 15 एंड 18 का. नाउ सेकेंड मेथड टू फाइंड एलसीएम इज शॉर्ट डिविजन मेथड. अब शॉर्ट डिविजन मेथड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 21, 14 और 42 का एलसीएम निकालना है, तो मैंने 21, 42 और 14 और 42 को एक साथ लिख के ऐसे फैक्टर बना रहे हैं. सबसे पहले मैं सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करूँगी, 2 से. तो 2 की टेबल में 21 नहीं आता तो वो एज इट इज़ जाएगा. 2 की टेबल में 14 आता है 7 पे. 2 मेरा 42 से डिवाइड होगा क्योंकि ये हमारा 2 है लास्ट में. जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 21. फिर आप देखोगे कोई भी नंबर 2 से नहीं हो रहा, देन आप 3 पे मूव करोगे, 3 7 था 21, 3 की टेबल में 7 नहीं आता तो एज इट इज़, देन 3 7 था 21. अब तीनों 7 है, 7 की टेबल में आएंगे तो 7 आ गया, 1 1 एंड 1. ये जो नंबर आए मेरे 2 3 और 7, इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 तो मेरा आएगा 42. तो 42 क्या है मेरा, एलसीएम है किसका, 21 14 एंड 42 का. नाउ मूव टू द एक्सरसाइज, फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड.
12, 15 और 40 का निकालना है. 12 के फैक्टर्स निकाले, प्राइम फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 15 के 3 मल्टीप्लाई 5, 40 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5. 2 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, एक बार लिख दिया. ये वाला 2 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें, एक बार लिख दिया. 3 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, एक बार लिख दिया. 5 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, एक बार लिख दिया. अब ये 2 जो अकेला रह गया उसको लिख दिया, और जब इन सबको मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया 120. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम हो गया 12, 15 और 40 का 120. नाउ फाइंड द एलसीएम बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड. 27, 54 और 63, तीनों नंबर मेरे 3 से हो जाएंगे, तो मैंने 3 से स्टार्ट कर दिया. वैसे हमें स्मॉलेस्ट से करना हो रहा है, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं. 3 की टेबल में 9 पे 27, 54 को 3 से डिवाइड करोगे तो भी 18, फिर 63 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 21, फिर से 3 में जाएंगे, 3 3 द 9, 3 6 द 18, 3 7 द 21, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 7 नहीं जाता तो 7 एज इट इज. अब ये तो 1 हो चुका है, अब इन दोनों को देखना है. 2 पे करते हैं, ये 1 एज इट इज, 2 1 द 2, 7 एज इट इज, क्योंकि 2 की टेबल में 7 नहीं आता. अब 7 पे ये 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 7 1 द 7. अब यहाँ पे तीनों जगह 1 आ गया, जैसे ही यहाँ पे तीनों पे 1 आ गया वैसे ही हम प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे. सिमिलरली जैसे हमने ऊपर भी यहाँ तीनों पे 1 आ गया तो हमने स्टॉप कर दिया था. तो अब एलसीएम क्या होगा इसका, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7. तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज 27, 2 मल्टीप्लाई 7 इज 14, 27 मल्टीप्लाई 14 इज 378. तो एलसीएम ऑफ 27, 54 एंड 63 बाय शॉर्ट डिविजन मेथड इज 378. Now move to the exercise 3.6. Find the least number of people that can be arranged in the group of 3, 4, 6 or 8 with none left behind. जब HCF निकालना होता है तो वहाँ पर हमारा greatest, highest ऐसा number दिया होता है, और जब हमें LCM निकालना होगा तो क्या दिया होगा, least number निकालने हैं people के जो हम arrange कर सकते हैं किन groups में, 3 के groups में, 4 के groups में, 6 के group में और 8 के group में, कि कोई भी नहीं बचे. तो हमें क्या करना है, इन चारों नंबर का एलसीएम निकालना है, तो हमारे पास लीस्ट नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे. तो एलसीएम निकालने के लिए आप 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 की टेबल में 3 नहीं आता तो एज इट इज, 2 टू द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, अगेन 2 से 3 एज इट इज, 2 1 द 2, 3 एज इट इज, 2 टू द 4, अगेन 2 से 3 एज इट इज, 1 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 1 द 2, नाउ 3 से 3 1 द 3, 1 एज इट इज, 3 1 द 3, 1 एज इट इज. अब ये चारों यहाँ पे 1 हो गए तो ये प्रोसेस स्टॉप हो गया. तो एलसीएम 3, 4, 6 और 8 का आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, दैट इज इक्वल टू 24. तो एलसीएम क्या आ गया इन चार नंबर का, 24. तो 24 लीस्ट नंबर ऑफ पीपल, कम से कम हमें 24 पीपल चाहिए कि हम एक ग्रुप 3 का बना सकें, 4 का, 6 का और 8 का. नाउ नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ. अगर आप किसी भी दो नंबर के एचसीएफ को और उसके एलसीएम को मल्टीप्लाई करो और उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर सेम आएगा. एग्जांपल अगर हम देखें 12 और 15, अब मैंने 12 का निकाला 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 प्राइम फैक्टर्स, 15 के 3 मल्टीप्लाई 5, दोनों में कॉमन आ रहा है 3, तो एचसीएफ हो गया 3. सिमिलरली जैसे मैंने एलसीएम निकाला तो 2 6 द 12, 15 एज इट इज, 2 3 द 6, 15 एज इट इज, 3 1 द 3, 3 5 द 15, 5 1 द 5, 5 1 द 5, दोनों पे 1 आ गया तो एलसीएम आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, दैट इज 60. तो एचसीएफ आ गया 3, एलसीएम आ गया 6. अगर मैं ये वाली कंडीशन यहाँ लिखूँ, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इज इंटू सेकेंड नंबर, तो एचसीएफ था 3, एलसीएम इज 60, फर्स्ट नंबर इज 12 एंड सेकेंड नंबर इज 15. तो 3 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 180 आएगा, और 12 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 180 आएगा. तो दोनों साइड आपकी इक्वल आ रही है, तो हमारा जो रिलेशनशिप है एचसीएफ का और एलसीएम का वो हैंस प्रूव्ड. तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर. नाउ मूव टू एक्सरसाइज 3.7. हमें ये फिलअप्स फिल करने हैं. कैसे करेंगे, हमें ये 6 और 9 दे रखा है और मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है और यहाँ डैश लगा रखा है, मीन 6 और 9 को मल्टीप्लाई करना है. तो आपका फर्स्ट नंबर हम यहाँ 6 मानेंगे और सेकंड नंबर 9, 6 9 द 54. यहाँ पे मुझे उनका एचसीएफ लिखना है, यहाँ पे मुझे इन दोनों नंबर का एलसीएम लिखना है, और यहाँ पे मुझे एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल लिखना है. तो पहले मैं एचसीएफ निकाल रही हूँ, 6 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 मल्टीप्लाई 3, 9 के हो गए 3 मल्टीप्लाई 3, दोनों में कॉमन आ रहा है 3, तो एचसीएफ हो गया 3. एलसीएम कैसे, जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिख दिया,
ये टू लेफ्ट अकेला रह गया उसको लिख दिया, और ये थ्री रह गया उसको लिख दिया, तो एलसीएम आ गया 3 × 2 × 3 दैट इज 18। और अगर आप इस मेथड से भी निकालोगे तो भी आपका क्या आएगा 18। तो एचसीएफ आ गया आपका 3, तो आप इस डैश में लिखोगे 3, एलसीएम आ गया आपका 18, इस डैश में लिखोगे 18, और जब आप 3 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 54। इसके और भी पार्ट्स हैं, दैट विल बी डन बाय द स्टूडेंट्स। नाउ मूव टू मेंटल मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट नंबर एम आई? आई एम अ नंबर बिटवीन 330 एंड 340। एक नंबर है जो 330 और 340 के बीच में है, तो जो नंबर 330 और 340 के बीच में आते हैं वो होते हैं 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 एंड 339। आई एम डिविजिबल बाय 5, और वो नंबर 5 से डिविजिबल भी है, मीन्स लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो 5 होनी चाहिए या तो 0। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका लास्ट डिजिट 0 है, तो अब हम देखेंगे 5। 5 सिर्फ एक ऐसा, ये 335 है जिसमें लास्ट डिजिट 0 है, तो वो नंबर क्या हो गया 335, जो इन दोनों के बीच में भी आ रहा है और 5 से भी डिविजिबल है। सिमिलरली इन द सेकेंड पार्ट, आई एम अ नंबर बिटवीन 80 एंड 90, तो 80 और 90 के बीच में नंबर हो गए 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। आई एम डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, तो 2 के डिविजिबल कौन से होंगे जिनके पीछे होगा 0, 2, 4, 6, 8। 0 तो किसी के पीछे नहीं है, 2 वाला आ गया 82, देन 84, देन 86 एंड देन 88। अब 2 वाले डिविजिबल वाले ये हैं, अब इसमें से देखना है कि कौन सा 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सम करना है। अगर आप 82 का सम करो तो 8 + 2 = 10, 10 3 की टेबल में नहीं आता तो ये रिजेक्ट हो गया। 84 का करोगे तो 8 + 4 = 12, वो 3 की टेबल में आता है तो ये सेलेक्ट। 8 + 6 = 14, जो कि 3 की टेबल में नहीं आता, तो 86 रिजेक्ट। 88, 8 + 8 = 16, नॉट डिविजिबल बाय 3, सो दिस इज ऑल्सो रिजेक्ट। सो 84 ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी, और 80 और 90 के बीच में आ रहा है, तो हमारा आंसर आ गया 84। नाउ द थर्ड इज, आई एम अ मल्टीपल ऑफ 7 < 50, तो 7 के मल्टीपल जो 50 से छोटे हैं वो है 7 × 7 = 14, 21, 28, 35, 42 एंड 49। 7 की टेबल तक 7 तक जाए। When my digits are reversed, I am a multiple of 8. अगर हम रिवर्स कर दें डिजिट, 07 क्या बन गया 70, 8 का मल्टीपल नहीं है, 14 बन गया 41, 8 का मल्टीपल नहीं है, 21 बन गया 12, 8 का मल्टीपल नहीं है, 28 बन गया 82, 8 का मल्टीपल नहीं है, 35 बन गया 53, 8 का मल्टीपल नहीं है, 42 बन गया 24, 24 8 की टेबल में आता है, यस 8 × 3 = 24, तो ये मल्टीपल है। 49 बन गया 94, ये भी 8 का मल्टीपल नहीं है। तो सिर्फ 42 ऐसा नंबर है जो 7 का मल्टीपल है, और उसकी डिजिट जब हम रिवर्स कर देते हैं तो वो किसका मल्टीपल हो जाता है, 8 का, और वो 50 से छोटा है, तो नंबर क्या हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया, 42। नाउ दिस इज द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 5। नाउ स्टूडेंट्स विल कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइज एंड वर्कशीट्स ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो।